कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेसजनों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी द्वारा की जा रही पूछताछ के विरोध में कांग्रेसजनों ने जिला मुख्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दर्जनों की संख्या में कांग्रेसजन जिला मुख्यालय पहुंचे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसजनों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के दबाव में ईडी की लगातार पूछताछ चल रही है। इस दौरान भाजपा सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। बनारस कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। ईडी का दुरुपयोग बंद करो बंद करो बंद करो। तानाशाही बंद करो बंद करो बंद करो। आज हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है, जो कि वर्तमान समय में सरकार के दबाव में आकर के ईडी के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी को, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को जो ईडी के माध्यम से प्रताड़ित करने का कोशिश करके उनको हरासमेंट करने की कोशिश किया जा रहा है, उनको ये पता नहीं कि बलिदानी पार्टी के लोग हैं, बलिदानी परिवार के लोग हैं, इनके ईडी उडी धड़ेंगे नहीं। और उसी का हम लोग महामहिम को के माध्यम से एक ज्ञापन दिया है कि यह जो जांच कर रहे हैं इसको तत्काल बंद करें, वरना बनारस कांग्रेस जन धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। एसीएम फोर्थ बताओ डीएम के माध्यम प्रतिनिधि के रूप में आए थे, उनको हम लोग ज्ञापन सौंपे।